वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। यूपी के मेरठ में आज एक बार फिर से ज्वेलरी शोरूम से लुटेरा ज्वेलरी बॉक्स लेकर भाग गया। सूचना पाकर संयुक्त व्यापार संघ के पदाधिकारी वहां पहुंच गए। उन्होंने पुलिस से लुटेरे को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। ज्वेलरी बॉक्स लेकर भागा बदमाश सीसीटीवी कैद में कैद हो गया है। लाल रंग की शर्ट पहने ये बदमाश मास्क न लगाए हुए थे। समझा जा रहा है कि दुकान के बाहर उसका कोई साथी भी रहा होगा जो लुटेरे को वाहन पर बैठाकर भाग निकला। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज तलाश रही है। किस तरह बदमाश ज्वेलरी बॉक्स लेकर भागा, पहले वह देखिए। मेरठ के शास्त्री नगर में यह वारदात मंगलवार की दोपहर करीब 2 बजे हुई। दुकान पर मालिक सौरभ बैठे हुए थे। फर्स्ट बाइट को सौरभ ने यह बताया। मेरा नाम सौरभ गर्ग है, मेरी फर्म का नाम राज ज्वेलर्स है। आज दोपहर में 2:15 बजे के आसपास मेरी दुकान पे कस्टमर आता है। आने के बाद उसने कहा कि मैं अभी 4-5 दिन पहले आया था, 19,000 की गोल्ड की रिंग देख कर गया था, अब वो मुझे दिखा दो। मैंने उसको गोल्ड की रिंग दिखाना चालू करा तो ये आप एक डिब्बा उसमें से बोला कि ये रिंग में है इसके अंदर। तो मैंने कहा, फिर उसके बाद वो कस्टमर ने कहा कि मेरे को हीरे की अंगूठी दिखा दो। तो मैं हीरे की अंगूठी निकालने के लिए जैसे ही अलमारी में पहुंचा, वो डिब्बा लेके गायब हो गया। इस मौके पर पहुंचे संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता ने फर्स्ट बाइट से यह कहा। आज राज ज्वेलर्स सेंट्रल मार्केट के हमारे व्यापारी के साथ लूट की घटना हुई है, जिसमें लगभग 12 अंगूठी वो अपराधी ले गया है। सूचना पर संयुक्त व्यापार संघ की पूरी टीम के साथ हम यहाँ उपस्थित हैं। हमने SO, CO, SPCT तीनों से बातचीत की है और इस बात पर रोष प्रकट किया है कि आए दिन शास्त्री नगर क्षेत्र में व्यापारियों के साथ और ख़ास तौर से ज्वेलर्स के साथ आए दिन घटनाएँ हो रही हैं, अपराधी घटनाएँ हो रही हैं, लूट की जा रही हैं, जो कि बड़ा दुखद विषय है। और मैंने इंस्पेक्टर नौचंदी को पूछा भी है कि उनके आने के बाद कितनी घटनाएं हुई और कितनी घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिस पर वो निरुत्तर थे, उनके पास कोई उत्तर नहीं था। और ये आपराधिक घटना बहुत खराब स्थिति है। वर्तमान में कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ हो रही है। हम जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि वो हमें किसी अन्य अप्रिय स्टेप को लेने के लिए मजबूर ना करें संयुक्त व्यापार संघ को, वरना हम बहुत सख्ती के साथ इन सड़कों पर उतरकर इस अपराध के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। कि एक ज्वेलरी शॉप है, इनका कहना है, जिसके प्रतिष्ठान के स्वामी, इनका कहना है कि कुछ दिन पहले भी एक लड़का आया था और उसके द्वारा कुछ अंगूठियाँ देखी गई थी। संभवतः वही लड़का दोबारा से आया, मास्क लगाए हुए था, और ये उसको अंगूठियों का डिस्प्ले दिखाने के बाद में कुछ ने और महंगी अंगूठी मांगी, उसके लिए अंदर की तरफ मुड़े तो पीछे से बाहर से ये जो डिस्प्ले बॉक्स लेकर के भागे। इनका कहना है 12 अंगूठियाँ थी। इसमें अभी उपयोग करके कार्रवाई की जा रही है, कुछ फुटेज भी हमारे पास में है और बाकी और चीज़ों का सारा लेकर के हम कार्रवाई कराएंगे। इसमें सब यहाँ पर बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं, मतलब सुनार के यहाँ पहले कोने में एक सुनार की दुकान भी हादसे जो वारदात हुई थी लूट की, और उसके बाद जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए बात की जाए तो यहाँ पे कई बार कहा भी जा चुका है आपके द्वारा भी कि पिकेट यहाँ पे रह जाए, फिर भी पिकेट यहाँ पे नहीं मिलती। अब आज पिकेट ठीक नहीं है, मैं देखता हूँ यहाँ पे तो ड्यूटियाँ रहती हैं और पास में हमारी चौकी भी है। इसमें सुरक्षा व्यवस्था में अगर कमी है तो इसके बारे में अभी जानकारी कर सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। लॉकडाउन के कारण पड़ी बेरोजगारी की मार से सतर्क रहें, अपना, अपने परिवार व अपने प्रतिष्ठान का पूरा ख्याल रखें। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए firstbite.tv और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।